रामनवमी शोभा यात्रा पर हमले के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा विरोध समावेश आयोजित। रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमले के खिलाफ सोमवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की पहल पर विरोध समावेश आयोजित किया गया। सोमवार दोपहर लगभग 3 बजे सिलीगुड़ी के एयरव्यू मोड पर यह कार्यक्रम आयोजित की गई। इस हिंसक घटना के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद द्वारा SDO को ज्ञापन प्रदान किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ ही आम लोग इलाके में इकट्ठा हुए। कार्यक्रम को लेकर एयरव्यू मोड पर भारी जाम लग गया। हालांकि पुलिस की पहल पर तत्काल भीड़ को नियंत्रित कर लिया गया। उल्लेखनीय है कि रामनवमी की शोभा यात्रा पर बंगाल के कई शहरों में पथराव सहित हमले किए गए। घटना में भारी संख्या में लोग घायल हुए हैं। घटना के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की पहल पर लगातार प्रतिवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत सोमवार को सिलीगुड़ी के एयरव्यू मोड पर विरोध समावेश आयोजित की गई। पत्थरबाजों को, निर्दोष राम भक्तों को, निर्दोष राम भक्तों को, ये अपने जो आज एक विरोध प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है जो रामनवमी शोभा यात्रा के बाद, शोभा यात्रा के दौरान जो काफी बंगाल के काफी हिस्सों में पत्थरबाजी हुई, हावड़ा, हुगली, उसके बाद चंद्रनगर, उसके बाद अपना इस्लामपुर, दलखोला, काफी हिंसा हुई पत्थरबाजों को। तो उन पत्थरबाजों को गिरफ्तार ना करके निर्दोष राम भक्तों को गिरफ्तार किया गया। तो हमारी मांग है कि जो पत्थरबाज है उनको गिरफ्तार किया जाए और निर्दोष राम भक्तों को रिहा किया जाए। क्या सारुतली भी पूजन करेंगे क्या SDO में? अभी हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं यहाँ SDO के डेपुटेशन देने के लिए, और SDO के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक डेपुटेशन दिया जा रहा है, गृहमंत्री को दिया जा रहा है, और मांग की जा रही है कि इसकी CBI जांच हो, NI जांच हो, जिसके तहत हम लोग को पता चले जो एक्चुअल में जो जिहादी तत्व है उनको गिरफ्तारी की हम लोग मांग रहे हैं। एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम।